बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ए1 टीवी के साथ मैं हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब काबीना में वज़रा के कलमदान तब्दील करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर माहौलियात का कलमदान तब्दील होने का इम्कान। वजारत में तब्दीली पर इत्तेहादी जमात को पहले एतमाद में लिया जाएगा। नस्ला टावर के जिम्मेदारों का तायुन करेंगे वजीर आला सिंध। मुराद अली शाह कहते हैं, गवर्नर सिंध से लोकल गवर्नमेंट के बिल पर कोई बात नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के पाबंद हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने पीटीआई हुकूमत की 3 साल में एहतसाब की मुहिम जानबदराना करार दे दी। पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट है, अदलिया दूसरे, कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग तीसरे और सेहत का शोबा चौथे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन और गवर्नेंस के मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में महकमा इतलात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने कायम अली शाह की 10 दिन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने सैयद कायम अली शाह को एहतसाब अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार्क करने वाला मिजाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिजाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मिजाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्रैक डाउन। CTO के मुताबिक 16 दिन में 31,413 चलान कट गए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को 2,000 रुपए जुर्माने। रूस में सर्दी का 128 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सेंट पीटर्सबर्ग में खून जमा देने वाली सर्दी से कारोबारी जिंदगी मफलूज। हेडलाइन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए ए1 टीवी। ए1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।